हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद दीतिमन में। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला की तरफ से पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के वैकेंसी आई है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। बिल्कुल ऑथेंटिक साइट का यूज़ करते हुए हम लोग लेटेस्ट एडवर्टीजमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो पीजीटी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, यानी जितने भी सब्जेक्ट पीजीटी में है मैक्सिमम सभी सब्जेक्टों की वैकेंसी जो है यहाँ पर निकाली गई है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है यदि आप अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ क्या एज है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज रिलैक्सेशन किसको यहाँ पर मिल रहा है, इसके अलावा आरक्षित जो वर्ग हैं उनके लिए जो है यहाँ पर सीटें रिजर्व भी हैं। यहाँ पर स्टार्ट डेट जो है वह 28 जून है। 28 जून से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, काफ़ी बच्चों ने फिल भी कर लिए हैं। और जो एंड डेट है यहाँ पर वह है 18 जुलाई, यानी आपके पास जो है 2 दिन हैं। 18 जुलाई जो है लास्ट डेट है। यदि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिल करिएगा यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है मैं पीजीटी हिस्ट्री जो है उसका आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो ओपन करके दिखा देती हूँ कि क्या डिमांड यहाँ की गई है। तो यहाँ पर देखिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है। डेट ऑफ पब्लिकेशन 24 जून को यहाँ पर पब्लिश हो चुकी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन सब्जेक्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री के लिए जो पीजीटी के यहाँ पर वैकेंसी हैं। कैसे अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। ये जो वेबसाइट दी हुई है इस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। सारा तरीका जो है वो आप लोगों को इसी में मिलेगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करोगे, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्या फिल करना है, सारी चीज़ें आपको इसी वेबसाइट पर जाकर मिलेंगी। तो कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम है पीजीटी हिस्ट्री। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 53, तो हिस्ट्री में 53 पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज जो है वो बटी हुई है। यहाँ पर टोटल पोस्ट 53 में जनरल की 29 है। इसके अलावा आप देख सकते हो एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, बाकी जो है महिला वर्ग है, सभी के जो है उसी के अकॉर्डिंग बटी हुई है। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन आपकी जो है चाहिए एमए हिस्ट्री में आपने की हो 50% मार्क्स के साथ, और साथ में आपके बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पर मांगा गया है कि मैट्रिक जो है यहाँ पर आपने हिंदी या संस्कृत, इसमें 10th में आपने हिंदी या संस्कृत लिया हो, या फिर आपने 12th में या बीए में या एमए में जो है हिंदी, ठीक है, वन ऑफ द सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो, चाहे 12th में पढ़ा हो, चाहे बीए में पढ़ा हो, चाहे एमए में पढ़ा हो। तो ऐसा तो जो है वो सभी बच्चों के साथ रहता है कि हिंदी जो है वह 10th या 12th में तो पढ़ते ही हैं, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों के पास जो है वो एस टेट या एच टेट, हरियाणा टेट जो है पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर सैलरी आपको क्या मिलेगी, तो बिल्कुल गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को सैलरी जो है 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपीज इसके बीच में आपकी रहेगी। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होगी, ठीक है। बता दिया है कि मिनिमम जो है 47,600 से लेकर आपको 1.5 लाख तक के बीच में मिलेगी। साथ में और भी चीजें मिलेंगी, यूजुअल अलाउंस एज एप्लीकेबल टाइम टू टाइम, ठीक है, टाइम टू टाइम जो है वो जितने भी अलाउंस होते हैं वो अभी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम एज लिमिट की अगर बात करें तो सभी बच्चे जो है फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि एज का क्राइटेरिया जो है वो काफी सही है। मिनिमम जो है वो 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा भी एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है। जो एससी हैं हरियाणा के उनको 5 साल की छूट है, बैकवर्ड क्लासेस को 5 साल की छूट है, डिसेबल्ड पर्सन जो है इनको 10 साल की जो है एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी जो कैटेगरी हैं जैसे विडो हैं उनको भी 5 साल की छूट है, जो अनमैरिड वुमेन हैं, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है चाहे वह जनरल कैटेगरी की ही हो, तो उसको भी जो है वो 5 साल की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो एज की तो कोई भी दिक्कत किसी को भी नहीं होने वाली है मेरे ख्याल से, क्योंकि सभी को जो है यहाँ पर मौका मिलेगा। उसके बाद जो है रिजर्वेशन भी जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज मिल रहा है। जितनी भी कैटेगरी हैं उन सभी को जो है रिजर्वेशन का फायदा तभी मिलेगा जब वो हरियाणा स्टेट के जो है वो डोमिसाइल होंगे, ठीक है। तो उनके पास डोमिसाइल होना जरूरी है तभी उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा।
एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो कितनी एप्लीकेशन फीस रहेगी यहाँ, तो आप देख सकते हो जितनी भी महिलाएं हैं तो उनके लिए केवल 250 रुपए है, ज्यादा नहीं है। मेल कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी के, तो उनकी अधिक है, 1000 रुपीज जो है उनको यहाँ पर पे करना होगा, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीट होगा। और इसके अलावा मेल कैंडिडेट जो हैं, जो आरक्षित वर्ग हैं, तो उनकी जो है वो 250 रुपये है, और पीडब्ल्यूडी जो हैं उनकी जो है फीस बिल्कुल नहीं लगेगी। तो यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन आप लोगों का कैसे होगा, सिलेक्शन जो है वो एग्जाम के द्वारा होगा, ठीक है। सिलेबस जो है वह भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, हिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाला है। 29 पेजेस की पीडीएफ फाइल है जिसमें हिस्ट्री का सिलेबस 27 पेजेस पर जो है दिया हुआ है, तो आप जो है देख सकते हैं जब आप कंप्लीट नोटिफिकेशन जो है देखेंगे। तो सिलेबस जो है वो आपका, जो आपने पीजीटी के लिए फॉर्म भरा होगा, चाहे किसी भी स्टेट के लिए आप भर रहे हैं, तो वहाँ जो आपका सिलेबस रहा है लगभग वही रहता है, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है, उसके बाद मगध इन रिलेशन टू 16 महाजनपद काल है, ठीक है, और आप जो है वो बुद्धिज्म जैनिज्म ये सब जो है वो पढ़ते आए हैं, और एमए में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, मौर्य काल है, गुप्त काल है। सिलेबस जो है आपका, आप जो है वो बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो, ठीक है। तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम में आप पास होते हैं, बहुत अच्छी सैलरी जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है, और यह गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, उन सभी की एडवर्टीजमेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, सभी की लास्ट डेट 18 जुलाई है, और यहाँ पर कंप्लीट एडवर्टीजमेंट में ही नीचे जो है सिलेबस भी यहाँ पर दिया हुआ है। वुमेन के लिए केवल 250 रुपये फीस रहेगी, चाहे वह पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाहे। ये गुड अपॉर्चुनिटी है और आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला, इसकी जो है वेबसाइट hpsc.government.in, इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। थैंक यू।